इमरजेंसी एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा आधारित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन और सह निर्माण कंगना रनौत ने किया है। यह रितेश शाह की पटकथा और रनौत द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित है जिसमें रनौत ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत विवादित मुद्दों में उलझी है। हाल ही में उन्होंने किसानों के विरोध प्रदर्शन की तुलना बांग्लादेश में अराजकता से करके विवाद खड़ा कर दिया था। आपको बता दें, फिल्म में जरनैल सिंह भिंडरांवाले को आतंकवादी के तौर पर दिखाया गया है जिसकी काफी आलोचना हुई है। कई सिख समूहों ने इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं, तो वहीं कंगना को चेतावनी और हमले को लेकर भी धमकियां दी जा रही हैं। उन्हें लगता है कि फिल्म में सिख समुदाय को गलत तरीके से दिखाया गया है। कंगना ने एक्स पर जाकर इसका एक वीडियो पोस्ट किया और अधिकारियों को टैग करते हुए कार्यवाही की मांग की। पर सवाल यह उठता है कि क्या आपातकाल विवादों के इस तूफान से कंगना सफलतापूर्वक निकल पाएगी? क्या इमरजेंसी रिलीज हो पाएगी?